और अपने अलिया र्ला को अपने बंदों में पोशीदा रखा है मतलब यह है कि बंदा छोटी समझ कर कोई नेकी ना छोड़ दे क्योंकि वो नहीं जानता कि अल्लाह वजल किस नेकी पर राजी होगा बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली नेकी ही से अल्लाह वजल राजी हो जाए मसलन कयामत के रोज़ एक गुनहगार शख्स सिर्फ़ उस नेकी के अवज़ बख्श दिया जाएगा उसने एक प्यासे कुत्ते को दुनिया में पानी पिला दिया था इसी तरह अल्लाह ने अपनी नाराजगी को गुनाहों में पोशीदा रखने की हिकमत ये है कि बंदा किसी गुनाह को छोटा तस्वुर न कर बैठे बस हर गुनाह से बचता रहे क्योंकि वो नहीं जानता कि अल्लाह तबारक वाला किस गुनाह से नाराज हो जाएगा इसी तरह अलिया को अल्लाह पाक ने बंदों में इसलिए पोशीदा रखा है कि इंसान हर नेक हकीकी मुसलमान की इज्जत ताज़ीम बजा लाए क्योंकि हो सकता है कि वो वलियला हो जब हम नेक लोगों की दिल से ताज़ीम किया करेंगे बदगुमानी से बचते रहेंगे और हर मुसलमान को अपने से अच्छा तस्वर करने लगेंगे तो हमारा मुहासरा भी सही हो जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी आकबत भी समझ जाएगी हजरत सैदना उस्मान इबन अबी अल आस रजील के गुलाम ने उनसे अर्ज की कि अए आका रजीलो मुझे कश्ती बानी करते एक अरसा गुजरा मैंने समंदर के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस की पूछा वो अजीब बात क्या है अर्ज की अय मेरे आका हर साल एक ऐसी रात भी आती है कि जिसमें समंदर का पानी मीठा हो जाता है आप रजी अल्लाह ने गुलाम से फरमाया इस बार ख्याल रखना जैसे ही रात में पानी मीठा हो जाए मुझे मुतले करना जब रमज़ान की सताईसवीं रात आई तो गुलाम ने आका से अर्ज की आका आज समंदर का पानी मीठा हो चुका है इमाम फखरुद्दीन राजी फखीन राजफसर कबीर में फरमाते हैं अल्लाज वजल ने शब कदर को चंद वजूह की बुना पर पोशीदा रखा है अव्वल ये कि जिस तरह दीगर अशिया को पोशीदा रखा मसला अल्लाजल ने अपनी रज़ा को इतातों में पोशीदा फरमाया ताकि बंदे हर इतात में रगबत हासिल करें अपने गज़ब को गुनाहों में पोशीदा फरमाया कि हर गुनाह से बचते रहें अपने वली को लोगों से पोशीदा रखा ताकि लोग सब की तज़ीम करें कबूलीत दुआ को दुआओं में पोशीदा रखा कि सब दुआओं में मुबालगा करें और इसमें आज़म को आसमा में छुप पोशीदा रखा कि सब आसमा की तज़ीम करें और सलात वस्ता को नमाजों में पोशीदा रखा कि तमाम नमाजों में मुहाफत यानी हमेशगी अख्तियार करें और कबूल तोबा को पोशीदा रखा कि बंदा तोबा की तमाम अकसाम पर हमेशगी अख्तियार करे और मौत का वक्त पोशीदा रखा कि मुखलफ बंदा खौफ खाता रहे इसी तरह शब कदर को भी पोशीदा रखा कि रमदानमबारक की तमाम रातों की तज़ीम करे दूसरे ये कि गोया अल्लाह अजवजल इरशाद फरमाता है अगर मैं शब कदर को तुझ पर जाहिर फरमा देता और ये कि मैं गुनाह पर तेरी जुरत भी जानता हूँ तो अगर कभी शहावत तुझे उस रात में मासीत के किनारे ला छोड़ती और तू गुनाह में मुबतला हो जाता तो तेरा उस रात को जानने के बावजूद गुना करना लामी के साथ गुना करने से बढ़ कर सख्त होता बस इस वजह से मैंने उसे पोशीदा रखा तीसरे ये कि मैंने इस रात को पोशीदा रखा ताकि बंदा उसकी तलब में मेहनत करे और उस मेहनत का सवाब कमाए चौथे ये कि जब बंदे को शब कदर का तयन हासिल नहीं होगा तो मुबारक की हर रात में अल्लाह अज़्ज़ा अल्लाजल की इतात में कोशिश करेगा इस उम्मीद पर कि हो सकता है यही रात शब कदर हो हदीस पाक में फरमाया गया है कि मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में या आखिरी रात में से है वो तीसवीं शब हो कोई एक शब शब कदर है इस रात को मख् यानी पोशीदा रखने में एक हमत यह भी है कि मुसलमान उस रात की जस्तजु यानी तलाश में हर रात अल्लाह अज्जा अजल की इबादत में गुजारने की कोशिश करें कि ना जाने कौन सी रात शब कदर हो हमें शब कदर की अलामत क्यों नज़र नहीं आती जवाब इसका यह है कि शब कदर की मुतदात का जिक्र गुजरा हमारे जहन में ये सवाल उभरता है कि हमारी उम्र के काफ़ी साल गुजरे हर साल शब कदर आती है और तशरीफ़ ले जाती है मगर हमें तो अब तक उसकी अलामत नज़र नहीं आई उसके जवाब में उलमाय सलाम फरमाते हैं इन बातों का ताल्लुक कशफ और करामत से है उन्हें आम आदमी नहीं देख सकता जिसको बसीरत यानी कल भी नज़र की नेमत हासिल हो हर वक्त मासीयत की निजात में लत पत रहने वाला गुनहगार इंसान नज़ारों को कैसे देख सकता है इसलिए हमें हर वक्त अपनी असलाह करनी चाहिए उमुल हजरत नजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ील् से रिवायत है कि नबियों के सरदार साहब महाराज सलि वालसम ने इर्शाद फरमाया शब कदर मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी इक्कीसवीं तेईसवीं पच्चीसवीं सत्ताईसवीं और उनतीसवीं रातों में तलाश करो मुफसरीन कराम सूरत कदर के ज़मन में फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक ने कुरान करीम लोह महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फ़रमाया और फिर तकरीब तेईस बरस की मद्त में अपने प्यारे हबीब सली वसम पर उसे बतदरी नाजिल किया रसूल करीम सल वम ने इशाद फरमाया बेश अल्ला पाक ने मेरी उम्मत को शब क़र आता की और ये रात तुम से पहले किसी उम्म को आता नहीं फरमाई हज़रत इमाम मुजाहिद रहा फरमाते हैं बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उसने हज़ार महीने गुजारे थे

और मुस्तफ़ा जान रतल वसलम की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ किया या रसूल सल वसम हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं उसमें भी कुछ हिस्सा नींद में गुज़रता है तो कुछ तलब मुआश में खाने पकाने में और दीगर अमूदनीवी में भी कुछ वक्त सर्फ़ हो जाता है लिहाजा हम तो हज़रत शुमा की तरह इबादत कर ही नहीं सकते यूनबी इसराइल हम से इबादत में बढ़ जाएंगे उम्मत के गम ख़ार आका सल्हु वसलम ये सुनकर गमगीन हो गए उसी वक्त हजरत ज़िब्राइल अमीन आसमाम सूर्य क़द्र लेकर हाजिर खिदमत हुए और तसल्ली दे दी गई कि प्यारे हबीब संजीदा ना हूँ आप की उम्म को हमने हर हर साल में एक ऐसी रात इदायत फरमा दी कि अगर वह उस रात में इबादत करेंगे तो हज़रत शमऊ रहा की हज़ार माह की इबादत से भी बढ़ जाएंगे हज़रत अनस बिन मालिक रजील फरमाते हैं एक बार जब माह रमजान शरीफ तशरीफ लाया तो प्यारे आका सल्हस ने फरमाया तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकता माहरूम है एक फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, है तो फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नजूल फरमाते हैं और एक रिवायत के मुताबिक उन फरिश्तों की तादाद जमीन की कंक्रियों से भी ज्यादा होती है वो सब्ज झंडा काबा मुआजमा पर लहरा देते हैं जब्राई सलाम के सौ बाज़ू हैं जिनसे दो बाज़ू सिर्फ इसी रात खोलते हैं वो बाज़ू मशरे को मगरब में फैल जाते हैं फिर अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं जो कोई मुसलमान आज रात क़्याम नमाज़ या जिक्रुल्लाह में मशगूल है उससे सलाम व मुसाफिया करो नीज़ उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो चुनाचे सुबह तक यही सिलसिला रहता है सुबह होने पर जब्राई अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं फरिश्ते अर्ज करते हैं ए जब्राई अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया जब्राई अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने इन लोगों पर खसूसी नजर करम फरमाई और चार किस्म के लोगों के अलावा सब को माफ कर दिया सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चार किस्म के लोग कौन हैं इर्शाद फरमाया एक तो आदि शराबी दूसरे वालदान के नाफ़रमान तीसरे कतारहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाले और चौथे वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में कतार ताल्लुक़ करने वाले हैं